नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टेडिया क्रिकेटिंग स्वागत है। आज आपके लिए RSMSSB दो अपडेट आई है दोस्तों। आप सभी दोस्तों के लिए फायरमैन भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है इस वक्त की, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। RSMSSB अपडेट दो महत्वपूर्ण अपडेट है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न वगैरह सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। चलिए क्या है महत्वपूर्ण जानकारी, जो भी फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों के लिए यहाँ पर एक और अच्छी खबर। तो मित्रों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये अपडेट थी, देर रात को कल आई थी, ये 5/10/2021 की अपडेट है। अपडेट है, यहाँ पर संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है सहायक अग्निशमन अधिकारी और फायरमैन की। तो पद तो आपने देख ही लिए, यहाँ पर पदों की संख्या तो यहाँ पर जो है पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के बिंदु साक्षरता परीक्षण में जो है क्या बदलाव वगैरह है वो सारी जानकारी आपको बता देता हूँ। ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, मस्ट है, ठीक है। ये किसको है, ये जनरल वालों को, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 28 नंबर यानी कि 28% लाना अनिवार्य है। 70 नंबर की तो आपकी लिखित परीक्षा होगी और 150 नंबर का शारीरिक एवं प्रायोगिक होगा, जिसमें से शारीरिक होगा 60 नंबरों का और प्रायोगिक होगा 90 नंबरों का, ठीक है। देख लीजिएगा, यहाँ पर शारीरिक में 400 मीटर दौड़ होगी, 15 अंक मिलेंगे, लंबी कूद होगी, कोई सीमा नहीं है, 15 अंक रस्सी पर चढ़ना कोई सीमा नहीं है, 15 अंक मिलेंगे। इस प्रकार एल्यूमिनियम अग्निशमन सीढ़ी पर चढ़ना बिना रुके 35 फीट ऊंची और 30 सेंटीमीटर चौड़ी विस्तार सीढ़ी, इसके आपको इस प्रकार नंबर मिलेंगे जो कि आप देख सकते हैं। 15 अंक किस किस प्रकार मिलेंगे जो कि आप देख सकते हैं, ये सारी ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एकेडमी मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी करनी और फराटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए गुड न्यूज, डाउनलोड ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां अंग्रेजी के टॉप टीचर्स एकदम बेसिक से अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में, यानी अब आप में से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है। और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अभी जाइए और डाउनलोड ऐप पर कोर्स अभी खरीदिए, अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउनलोड पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रायोगिक में आप देख सकते हैं 100 मीटर दौड़ में फायरमैन लिफ्ट, मानव शरीर का औसत वजन 50 से 60, इसके लिए 20 अंक मिलेंगे, किस प्रकार आप देख सकते हैं। 15 मीटर की दूरी पर उपलब्ध फायर होज, इसको देख लो दोस्तों, इसके भी यहाँ पर इस प्रकार नंबर दिए जाएंगे। ये सारे यहाँ पर प्रायोगिक है जो कि आप देख सकते हैं, किस प्रकार खोज बचाओ इनके लिए नंबर दिए जाएंगे। अब लिखित परीक्षा का जो है सिलेबस वगैरह भी आप लोगों को बता दूंगा मैं दोस्तों, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आप लोग भी वहाँ से देख लीजिए। तो दोस्तों, ये रहा यहाँ पर सिलेबस आपका। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो है सिलेबस जारी कर दिया है आप लोगों के लिए। सहायक अग्निशमन अधिकारी का सिलेबस ये है, परीक्षा स्कीम जो देख सकते हैं 70 अंकों का होगा, ये आप देख सकते हैं। प्रायोगिक वगैरह सेम है यहाँ पर इनके, ठीक है। सहायक अग्निशमन अधिकारी ये देख लो इनका सिलेबस, और ये नीचे है फायरमैन का, 70 नंबरों का लिखित होगा। और इसमें देख सकते हैं लिखित में जो है आपके बाग हमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, समसामयिक घटनाएं पूछी जाएगी 25 अंकों की। उसके अलावा बाग ब में आपसे फायरमैन का कोर्स जो है कंटेंट है वो पूछा जाएगा 45 अंकों का, 2 घंटे का पेपर होगा। सारी कोर्स के लिए प्रायोगिक के लिए देख सकते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों ऊंची कूद वगैरह के बारे में, इनके बारे में बताया गया है कितने कितने नंबर मिलेंगे, और नीचे सिलेबस बताया गया है कि जनरल नॉलेज में 13 अंकों का आएगा। तो ये देख लीजिएगा आप यहाँ पर, मैथमेटिक्स 3 अंकों की, सामान्य हिंदी 6 अंकों की, जनरल इंग्लिश 3 अंकों की, उस प्रकार 45 अंकों का फिर इनके जो है खुद का सिलेबस आएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आज की ये महत्वपूर्ण ताज़ा अपडेट थी। ये अपडेट आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रा सा हमें फीडबैक दीजिएगा। दोस्तों, ये बीच में एड वगैरह आते हैं, इसके लिए क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये हमारी मजबूरी होती है। आप इस बात को समझते होंगे, आप भी एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जा रहे हो तो आप खुद भली बातें समझते हैं इस बातों को, तो आप इसका जो है इग्नोर कर दिया करें, ठीक है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर जवाब दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर आप फायरमैन से संबंधित जानकारी भी बताया करो। धन्यवाद।